हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। ये वीडियो लास्ट वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्ज ऑफ जीएसटी। वहां हमने देखा था कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे Who is the person liable to pay tax? हमने वहां डिस्कस किया था नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड में एक सप्लायर जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई देता है जिसके बदले उसे कंसिडरेशन मिलता है, वहां पर वो उस इनवॉइस में जो वो रेज करेगा वैल्यू और जीएसटी दोनों लगाकर रेसिपिएंट को देगा और ये जीएसटी वो सरकार को जाकर जमा करवा देगा। इसी को कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सो सप्लायर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। लेकिन कई बार ये कन्वीनियंट नहीं होता कि सरकार टैक्स सप्लायर से वसूल करे। उस सिचुएशन में वो सप्लायर की जगह किसी और से भी टैक्स वसूल कर सकती है। ही कैन बी अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। और जब सरकार रेसिपिएंट को लायबल कर देती है टैक्स पे करने के लिए, उसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब चार्ज रिवर्स कर दिया, अब सप्लायर की जगह रेसिपिएंट को टैक्स पे करने के लिए लायबल कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड में जब सप्लायर इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स तो वो टैक्स कैसे पे करेगा, सरकार को वो जीएसटी कैसे जमा करवाएगा? वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देगा, वो जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग करेगा, पेमेंट का चलान भरेगा, टैक्स पे करेगा, राइट? अब चार्ज रिवर्स करकर, रिवर्स चार्ज में अगर रेसिपिएंट को लायबल कर दिया, मतलब अब ये रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सरकार को जीएसटी जमा करवाए। वो कैसे करवाएगा? उसे भी तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, रिटर्न भरनी पड़ेगी, वो सभी कंप्लायंसेस अब इस रेसिपिएंट को करने पड़ेंगे। इसीलिए रिवर्स चार्ज में जब लायबिलिटी रेसिपिएंट पे आ जाती है तो ही हैज टू गेट मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसे जीएसटी में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 24। जब हम रजिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कुछ लोगों को जीएसटी में नो मैटर व्हाट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है, इट इज मैंडेटरी फॉर देम। और उनमें से एक है जब किसी के ऊपर आरसीएम में लाइबिलिटी आ जाती है, बिकॉज अंडरस्टूड है वो जीएसटी जमा कैसे करवाएगा अदरवाइज। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि एक सप्लायर जो सिर्फ वही सप्लाईज करता है जो आरसीएम में आती है, मैं एक सप्लायर हूं, मैं वही सप्लाईज देती हूं जो आरसीएम में आती है। ओ यस, मैं एक वकील हूँ ऑब्वियसली, तो मैं वही सप्लाईज देती हूँ जो आरसीएम में आती है, मेरे ऊपर जीएसटी की कोई लायबिलिटी नहीं है, सो आई नीड नॉट टेक एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये हम सेक्शन 23 में देखेंगे। जब मेरे पे कोई जीएसटी की लायबिलिटी ही नहीं है, सो व्हाई डू आई नीड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये दोनों पॉइंट्स और सभी हम रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट एक बार यहां पे आपको इस टॉपिक के साथ इसकी जानकारी होनी चाहिए। आर
आरसीएम सरकार लगाती क्यों है, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये एक सप्लायर है और ये सप्लाई दे रहा है गुड्स की या सर्विसेज की या दोनों की, तो अच्छा खासा सरकार इससे जीएसटी वसूल रही थी। ये रिवर्स चार्ज करके रेसिपिएंट को लाइबल किया क्यों, क्योंकि कई बार इस सप्लायर से जीएसटी वसूलना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सप्लायर एक इंडिविजुअल है, छोटा आदमी है जिसका कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, उससे जीएसटी वसूलना आसान नहीं है, और सामने कोई बड़ा रेसिपिएंट बैठा है, कोई कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई पार्टनरशिप फर्म है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब रेसिपिएंट तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सप्लायर कोई छोटा सा आदमी है, तो उसी से ले लो ना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बेशक वो एक रेसिपिएंट है। तो वहाँ सरकार रिवर्स चार्ज में ऐसे रेसिपिएंट को लाइबल कर देती है। या इसके अलावा सप्लायर अगर देश में है ही नहीं, मतलब सप्लायर अगर विदेश में बैठा है, तो सरकार का उस सप्लायर पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन रेसिपिएंट हिंदुस्तान में है, तो सरकार उस सप्लायर को तो पकड़ नहीं सकती, रादर वो रिवर्स चार्ज में इस रेसिपिएंट को जो इंडिया में है उसे लाइबल कर देगी और उससे जीएसटी वसूल लेगी। या एक और सिचुएशन, अगर ये सप्लायर खुद सरकार ही हो तो गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी सर्विसेज देती है। गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है मतलब गवर्नमेंट इज द सप्लायर। अगर वहां पर सप्लायर को लाइबल रखे तो तकलीफ किसको होगी, गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी, अरे ये जीएसटी हमने आप लोगों के लिए बनाया था, हम अपने ऊपर थोड़ी तकलीफ ले लेंगे। तो वहां पर ऐसे केस में वो रेसिपिएंट को लाइबल कर देगी। मोर और लेस पॉइंट ये है कि इट इज प्योरली अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, कि जब सप्लायर्स की जगह रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में लाइबल कर दिया जाता है। और इस वीडियो में जब हम ऐसी सर्विसेज देखेंगे जहां रेसिपिएंट लाइबल होगा, तब आप रियलाइज करोगे उन सभी सिचुएशंस में इट वाज नॉट प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट कि सप्लायर से जीएसटी लिया जाए। ये हमने डिस्कस किया था, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कैन बी अ सप्लायर, अ रेसिपिएंट और इवन एनी अदर पर्सन। सप्लायर नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड में उसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, वो देता है। लेकिन अगर सप्लायर से जीएसटी वसूलना कन्वीनियंट नहीं है, तब रेसिपिएंट से ले लो, और रेसिपिएंट से भी नहीं है तो आप किसी थर्ड पर्सन से ले लो, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से वसूलना। रिमेंबर हमने वो तीन सर्विसेज डिस्कस की थी, आपने ओला या उबर की टैक्सी बुलाई, वो कैब में बैठकर आप होटल में गए, होटल अकोमोडेशन की सर्विस ली, और आपने वो होटल रूम इतना बुरी कंडीशन में छोड़ा कि होटल वाले को हाउसकीपिंग की सर्विस लेनी पड़ी। तो उन तीन सर्विसेज में वहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर वॉज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, और ये आता है अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट कब कब लाइबल होता है, दो सिचुएशंस में, या तो वो नोटिफाइड गुड्स हो या नोटिफाइड सर्विसेज हो। सरकार ने कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई कर रखे हैं जहां रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स। गुड्स हमारे सिलेबस में है नहीं, सर्विसेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा
एक और सिचुएशन हो सकती है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9, मतलब जहां पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई आ रही हो टू अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, वहां पर वो रेसिपिएंट ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। बहुत डिटेल में रैशनल समझते हुए हमने ये पॉइंट लास्ट वीडियो में कवर किया था कि इस सेक्शन का स्कोप पहले क्या था, कम करते 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 आज की डेट में इस सेक्शन का स्कोप क्या है, वो कौन सी स्पेसिफाइड सप्लाईज हैं और वो कौन सा स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है जहां पर आरसीएम में उस पर टैक्स की लाइबिलिटी है। मतलब हम लास्ट वीडियो में ये सभी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का स्कोप हमारा सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफाइड सर्विसेज डिस्कस करना है वेयर रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स, और ये सर्विसेज नोटिफाइड है अंडर नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2017। CTR मतलब सेंट्रल टैक्स रेट का ये नोटिफिकेशन है, डेटेड 28 जून 2017। इस नोटिफिकेशन में जो सर्विसेज दी है जहां RCM लगेगा वो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स क्विकली जंप टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ दिस नोटिफिकेशन। पहली सर्विस जो RCM के अंडर नोटिफाइड है वो है GTA की सर्विस, जहां सप्लायर है GTA और रेसिपिएंट है इनमें से कोई एक, वहां RCM में ये रेसिपिएंट ही टैक्स पे करने के लिए लायबल है। GTA की सर्विस मतलब क्या, ये GTA होता क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रक ओनर्स और सर्विस रेसिपिएंट के बीच में एक लिंक होते हैं। GTA पहली बात तो खुद ट्रक ओनर्स नहीं होते, ये क्लियर कर लो, वो सिर्फ ट्रक ओनर्स और जो कस्टमर्स जो सर्विस रेसिपिएंट है जिन्हें ट्रक ओनर्स की सर्विसेज चाहिए उनके बीच में एक लिंक होते हैं। एक ट्रक वाला दिल्ली से बॉम्बे माल लेकर गया, उसने वो माल वहां पर ड्रॉप कर दिया। अब वो दिल्ली खाली ट्रक लेकर वापस आए, ये बिल्कुल भी एक वायबल ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो वहां एक GTA के पास जाएगा। GTA उसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जयपुर का या दिल्ली का माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए दे देगा। तो उस GTA ने क्या किया, ट्रक ओनर और जो भी वहां पर सर्विस रेसिपिएंट रहा होगा, कस्टमर रहा होगा जिसे जयपुर या दिल्ली तक माल पहुंचवाना था, उन दोनों को मिलवा दिया। तो वो GTA है। अब आप GTA आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये GTA है, ट्रक ओनर नहीं। ट्रक ओनर के केस में क्या होता है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ शर्ट्स की, मैं शर्ट्स की मैन्युफैक्चरर हूँ। अब वो शर्ट्स मुझे दिल्ली में बहुत सारे होलसेलर्स के पास, इवन कुछ रिटेल आउटलेट्स के पास पहुँचानी है। मैंने एक ट्रक किराए पर ले लिया, उस ट्रक में मैंने वो शर्ट्स लोड करवा दी। अब वो ट्रक वाला जहाँ जहाँ मैंने बताया है उन शर्ट्स को जाकर सप्लाई कर देगा, ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर वो जो शर्ट्स सप्लाई की जा रही हैं, जो उस ट्रक में ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, उनकी ओनरशिप किसकी है, मेरी है। उन शर्ट्स की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। उस ट्रक वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन GTA के केस में ऐसा नहीं होता। GTA को आप आइडेंटिफाई करोगे इस तरह से कि GTA हमेशा एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है।
जिसे आम भाषा में बिल्टी कहते हैं। इस बिल्टी में क्या होता है? सीरियल नंबर ऑब्वियसली, उसके अलावा कंसाइनर का नाम और पता, कंसाइनी का नाम और पता, जो माल भेज रहा है, जहां माल जा रहा है, उन गुड्स का डिस्क्रिप्शन, जो भी है। और इस कंसाइनमेंट नोट इशू करने का मतलब ये है कि अब गुड्स की पोजेशन ट्रांसपोर्टर के पास है। अब उन जो गुड्स वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की है, ये शो करता है ये कंसाइनमेंट नोट इशू करना, जो नॉर्मल ट्रक ओनर्स के केस में नहीं होता। जैसे सी से अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है, एयर से कर रहे हैं तो एयरवे बिल होता है, उसी तरह ये जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, और यही उनका एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर है। तो हमें जीटीए समझ में आ गया। अब ये एंट्री समझते हैं, इसका स्कोप समझते हैं कि यहां आसियम कैसे और कब लगेगा। मुन्ना भैया जो सूरत और गुजरात के सूरत में बैठे हैं, वो कंसाइनर हैं। गुड्डू भैया जो दिल्ली में बैठे हैं, वो कंसाइनी हैं। अब यहां पर मिर्जापुर ट्रांसपोर्टर्स, मतलब इस जीटीए की सर्विस ली जाती है और ये माल ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सूरत से दिल्ली तक। ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ जीटीए है। जीटीए सप्लाई दे रहा है, वो कंसिडरेशन भी लेगा, जीटीए का बिजनेस ही यही है गुड्स ट्रांसपोर्ट करवाना। सो दिस इज अ सप्लाई ऑफ जीटीए की सर्विस, करेक्ट। यहां सप्लायर कौन है? विदाउट एनी डाउट जो जीटीए की सर्विस दे रहा है, मतलब ये जीटीए ही सप्लायर है। अब यहां पर रिसिपिएंट कौन है? यहां आपको जीटीए के अलावा दो लोग और पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, एक ये कंसाइनर और दूसरा ये कंसाइनी। सप्लायर तो बहुत क्लियर है कि वो जीटीए है, लेकिन रिसिपिएंट कौन है? मुन्ना भैया या गुड्डू भैया, कंसाइनर या कंसाइनी, रिसिपिएंट होता कौन है? रेसिपिएंट वो होता है जो भाड़ा देता है। अब यहां पर भाड़ा कौन दे रहा है, क्या आपको पता है? यहां पर भाड़ा इन दोनों में से कोई भी दे सकता है। ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स पे डिपेंड करेगा कि भाड़ा कंसाइनर देगा या कंसाइनर। It will be decided by terms of their contract. इसलिए ऐसी सिचुएशन में recipient दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहां पर you will have to go and see their contract और उसकी terms क्या कहती है, clear? तो recipient वो होगा जो भाड़ा देगा और वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहां पर कितना जीएसटी लगेगा वो कैसे कंप्यूट करेंगे? जीएसटी एक एड वैलोरम टैक्स है, जो भी उस सप्लाई की वैल्यू होगी और उस पर जितना जीएसटी रेट होगा उससे वो डिटरमाइन हो जाएगा कि उतना जीएसटी लगेगा। वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी वो सेक्शन 15 कवर करता है, लेकिन इस सप्लाई पर, जीटीए की सर्विस की सप्लाई पर जीएसटी का रेट कितना है, ये इंटरेस्टिंग है। यहां जीएसटी के सरकार ने दो रेट दिए हैं, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी, 12% विद आईटीसी। मतलब क्या? ये एक जीटीए है जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, इसने कुछ इनवर्ड सप्लाई भी ली होगी। मैं एक जीटीए हूं जो कुछ अपनी सर्विसेज दे रही हूं, आउटवर्ड सप्लाई दे रही हूं, उसके लिए मैंने कुछ इनवर्ड सप्लाई भी ली होगी। अब उस इनवर्ड सप्लाई पे मैं जीएसटी की पेमेंट करूंगी
और उस जीएसटी की पेमेंट के लिए मैं आईटीसी बुक करने के लिए एलिजिबल हूं, लेकिन सरकार ने मुझे ऑप्शन दिया, अगर मैं आईटीसी नहीं लेती अपनी इनवर्ड सप्लाई पर, तब तो यहां मेरी आउटवर्ड सप्लाई पे 5% जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर मैं आईटीसी लेती हूं तो यहां मेरी सप्लाई पर 12% जीएसटी लगेगा। इसे अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जीटी एक सप्लायर है, बहुत छोटे लोग हैं, ये जीएसटी की रजिस्ट्रेशन वगैरह की हैसल में पड़ना नहीं चाहते, वो सिरदर्दी नहीं चाहते, छोटे लोग हैं, बस अपना काम धंधा करना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील करी, प्लीज हमें इस जीएसटी के झंझट से बचाओ, हमें नहीं चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाओ, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लो, रिटर्न फाइलिंग पेमेंट, प्लीज हेल्प अस सेव अस। सरकार ने कहा ठीक है, हम समझते हैं, आप छोटे लोग हो, आपको नहीं चाहिए, तो ऐसा करो, पहले तो आप आईटीसी मत लो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, हम बिल्कुल भी यहाँ पर आईटीसी नहीं लेंगे। सरकार ने कहा ठीक है, आप आईटीसी नहीं ले रहे तो अब आपको कोई जीएसटी की सिरदर्दी नहीं है, क्योंकि अब आपके केस में ये रेसिपिएंट ही सरकार को जीएसटी पे करेगा, और क्योंकि आपने आईटीसी नहीं लिया है तो जीएसटी का रेट कितना था, 5%। जीटीए वाले ने, सप्लायर ने आईटीसी नहीं लिया और अब उसका रेसिपिएंट सरकार को जीएसटी पे करने के लिए लायबल है एट द रेट ऑफ 5%। वेरी गुड, तो मतलब जीटीए की सप्लाई पर रेसिपिएंट को आरसीएम में लायबल कर दिया। अब जीटीए की सप्लाई तो कितने सारे लोग लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी भी लेती हैं जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, छोटी बिजनेस एंटिटीज भी लेती हैं, उन छोटी बिजनेस एंटिटीज में हम इंडिविजुअल्स भी आ गए, मुझे मेरे घर का माल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब अब मैं इस जीटीए की सर्विस लेती हूँ तो आरसीएम में मेरे ऊपर ही लायबिलिटी आ जाएगी, मतलब जीटीए वाला तो बच गया वो पूरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के हैसल वगैरह से, और मैं फंस गई, मैं भी तो एक इंडिविजुअल हूँ, मैं भी तो छोटे छोटे आम लोग हूँ, आम लोग हैं, आम आदमी है। नहीं, सरकार को समझ में आ गया, हाँ ये बात तो सही है, जीटीए की सर्विस तो बहुत लोग लेते हैं, सबको इस तरह से अगर हम रिवर्स चार्ज में लायबल करते इट विल बी वेरी सैड। तो उन्होंने 6 रेसिपिएंट्स आइडेंटिफाई किए, वो 6 बड़े बड़े रेसिपिएंट्स आइडेंटिफाई किए जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे। अब वो तो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, उनको क्या दिक्कत है, वो अपना जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा करवा देंगे और इसका आईटीसी ले लेंगे। वो 6 रेसिपिएंट कौन से हैं, कोई फैक्ट्री है एस्टैब्लिश अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोई सोसाइटी है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो रजिस्टर्ड है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा तो दिल्ली में जब ट्रेड फेयर लगता है तो पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे ट्रेडर्स बिजनेसमैन यहाँ अपनी प्रदर्शनी, अपने गुड्स की सर्विसेज की प्रदर्शनी करने आते हैं, लेकिन वो दिल्ली में रजिस्टर्ड तो नहीं है, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है, करेक्ट, जितने स्टेट्स में आपका बिजनेस है आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो वो लोग इन एडवांस कुछ दिन के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का ले लेते हैं और एडवांस में ही एस्टिमेटेड जीएसटी की पेमेंट भी कर देते हैं कि हम एस्टिमेटेड हम इतनी सप्लाई करेंगे उस पर इतना जीएसटी बनेगा वो दे देते हैं। उन्हीं ऐसे लोगों को ही कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और जब वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी में और वो ऐसे छोटे जीटीए वालों की सर्विस ले रहा है जो आईटीसी तक क्लेम नहीं कर रहे, तो सरकार ने कहा तुम तो रजिस्टर्ड हो तो तुम ही जीएसटी दे दो रिवर्स चार्ज में। इन्होंने भी सोचा हमको क्या दिक्कत है,
ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम ITC बुक कर ही लेंगे, हम पे कर देंगे, मतलब सबके लिए फायदे का सौदा। और इनके अलावा कोई भी GTA की सर्विस लेता है तो वो GST में अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। जब हम एग्जेम्प्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम ये बात देखेंगे दोबारा से कि इनके अलावा कोई भी और GTA की सर्विस ले रहा है तो वहां GST है ही नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। अब सरकार ने इस GTA वाले को ऑप्शन भी दिया है कि तुम ये GTA का सरदर्द अपने सर पर ले सकते हो। GTA भी ये जो GST है वो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकता है। मतलब क्या, इस GTA के सप्लायर को लगता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को लगता है, नहीं हमें ITC लेना चाहिए। ITC लेने से क्या होता है, वो जो इनवर्ड सप्लाई पे उसने टैक्स दिया होता है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। आई होप यू नो दिस पॉइंट। जब ITC नहीं ले रहा, उसको उसका क्रेडिट नहीं बन रहा, मिल रहा, तो वो उस GTA की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो उन्हें लगा नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ITC लेना चाहिए जिससे वो हमारी कॉस्ट का पार्ट ना बने और हमारी सर्विसेज महंगी ना हो। तो इन्होंने कहा नहीं सर, सरकार को कहा नहीं, हम GST में रजिस्ट्रेशन भी लेंगे और हम ITC भी क्लेम करेंगे। सरकार ने कहा वेरी गुड, हमें क्या दिक्कत है, ले लो। अब ये खुद जाकर सरकार को GST जमा करवाते हैं। अब ये बड़े लोग हो गए हैं, ITC भी लेते हैं और सरकार को GST भी फॉरवर्ड चार्ज में जमा करवाते हैं। कितना, 12%। पढ़ा था ना, विदाउट ITC 5%, विद ITC 12%। ITC लेकर ये 12% सरकार को GST जमा करवा देते हैं। इनको फायदा हो गया, इनको अपना ITC मिल गया, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना। क्या रेसिपिएंट को इससे कोई नुकसान हुआ? रेसिपिएंट को क्या है, रेसिपिएंट इसको ये GST पे कर देगा सप्लायर को और इस 12% GST का ITC बुक कर लेगा, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए इनवर्ड सप्लाई है। मतलब विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी, करेक्ट? इसे समराइज कैसे कर सकते हैं, GTA जब सप्लायर हो तो दो रेट एप्लीकेबल होते हैं, 5% और 12%। 5% विदाउट ITC और 12% विद ITC। जब ये GTA ITC नहीं लेता, छोटा है, तब इन बड़े बड़े रेसिपिएंट्स को सरकार ने पकड़ लिया और RCM में GST पेमेंट के लिए लायबल कर दिया एट द रेट ऑफ 5%। अगर ये GTA वाला बड़ा है, खुद ही GST में रजिस्ट्रेशन लेता है, ITC क्लेम करता है, तो सरकार ने कहा फिर तू ही दे दे, हम इन रेसिपिएंट्स तक क्यों जाएं? मैंने समझाया था ना, जब सप्लायर हाथ में आ ही रहा है तो रेसिपिएंट तक क्यों जाना? तो फॉरवर्ड चार्ज में ये GTA ही 12% GST की पेमेंट करेगा। और इसके अलावा कोई भी और इन 6 रेसिपिएंट के अलावा कोई भी और जब GTA की सर्विस लेता है तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, वहाँ GST लगेगा ही नहीं। जब GST लगेगा ही नहीं तो आप खुद सोचो, RCM या FCM की बात करने का कोई पॉइंट है? जब GST है ही नहीं तो कौन देगा का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, करेक्ट? आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन की सेकेंड एंट्री की तरफ। वो दूसरी कौन सी सर्विस है? लीगल सर्विस। सप्लायर कौन होता है इसका? एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, लॉ फर्म वगैरह। रेसिपिएंट हो बिजनेस एंटिटी। चलिए इस एंट्री को समझते हैं। लीगल सर्विस क्या होती है? एक वकील आपको कौन कौन सी सर्विस दे सकता है? आप वकील के पास सलाह लेने जाते हो,
वकील साहब ऐसे ऐसे हो गया, अब मैं ऐसे ऐसे क्या करूँ कि इससे बच जाऊँ, करेक्ट? तो वो आपको लीगल ओपिनियन देते हैं। फिर अगर आपका केस बन गया तो वो उस केस का रिप्लाई बनाते हैं, शो कॉज नोटिस है तो रिप्लाई बनाना, अपील बनाना किसी मैटर में, रिट बनाना, साथ ही साथ वो कोर्ट के सामने जाकर आपको रिप्रेजेंट भी करते हैं कि जज साहब मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये है, उसे छोड़ दो, अपने क्लाइंट को। इसके अलावा वकील साहब के पास कब कब जाते हैं, कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग करवानी है, कुछ और ड्राफ्टिंग करवानी है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज में तो वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। इस तरह की जो भी वो सर्विसेज देते हैं उन्हें ही लीगल सर्विसेज कहते हैं। अब फ्री फंड में तो वो काम करेंगे नहीं, वो उनका प्रोफेशन है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज के लिए फीस लेता है, वो भी लेते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए वो फीस चार्ज करते हैं। तो इज दिस अ सप्लाई, क्या यहां पर दो लोग हैं? बिल्कुल हैं। एक क्लाइंट है जो सर्विसेज ले रहा है, एक वकील साहब है जो सर्विसेज दे रहे हैं। वहां पर क्या यहां पर कंसीडरेशन है? बिल्कुल है, अच्छा खासा कंसीडरेशन है। थर्डली, क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में सप्लाई दी जा रही है? वकील साहब का तो पेशा ही यही है, प्रोफेशन ही यही है, आप लोगों की, आम जनता की, लोगों की मदद करना, उन्हें रिप्रेजेंट करना, उन्हें लीगल ओपिनियंस देना, बेशक, तो ये एक सप्लाई है ऑफ लीगल सर्विसेज। अब ये लीगल सर्विसेज की सप्लाई देता कौन कौन है, यहां सप्लायर कौन कौन हो सकते हैं? कोई एडवोकेट? बिल्कुल। कोई सीनियर एडवोकेट? ये सीनियर एडवोकेट कोई अलग से एडवोकेट्स नहीं होते। दरअसल कुछ एडवोकेट्स जो जिनकी काबिलियत की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट उन्हें ये टाइटल देती है, सम्मान देती है कि आज से ये वकील साहब सीनियर एडवोकेट, एक तरह से उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हीं को सीनियर एडवोकेट्स कहते हैं। एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट में अदरवाइज प्रैक्टिस में फर्क देखें तो ये है, सीनियर एडवोकेट डायरेक्ट क्लाइंट से केस नहीं पकड़ सकते, वो उसका वकालतनामा साइन नहीं कर सकते। जब भी वो अपीयर होते हैं, एक जूनियर के साथ अपीयर होते हैं। आपकी समझ के लिए इनमें कोई खास फर्क नहीं है, ये कुछ एडवोकेट्स को उनके काम के लिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है, उन्हें ही सीनियर एडवोकेट कहते हैं। तो एक एडवोकेट इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकता है और एक लॉ फर्म वगैरह में भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो सप्लायर इनमें से कोई भी हो सकता है जो लीगल सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है। सप्लायर तो ठीक है, अब रेसिपिएंट कौन कौन हो सकता है, मतलब वकील साहब के क्लाइंट कौन कौन हो सकते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां वकील साहब के पास आती हैं, बिल्कुल। सरकार भी वकील साहब की क्लाइंट हो सकती है, सरकार के कितने सारे केस होते हैं। उसके अलावा वो बिजनेस एंटिटीज जो छोटी है, रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, वो भी वकील साहब की सर्विसेज ले सकती हैं। उनमें इंडिविजुअल्स भी आ गए, आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है आपके भाई बंधु के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, कोई और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, किसी और तरह का डिस्प्यूट है, तो आप भी तो वकील साहब की सर्विसेज लेते हो। तो इनके क्लाइंट्स इनमें से कोई भी हो सकते हैं। लीगल सर्विसेज को हमेशा RCM के अंडर रखा है, वकीलों की सर्विसेज को हमेशा RCM के अंडर रखा है। अगर आप कल को आकर मुझसे कोई सर्विस लेते हो तो वो हमेशा RCM के अंडर है। RCM के अंडर है मतलब कि वहां पर जो मेरी सर्विसेज लेगा, एक एडवोकेट की सर्विसेज लेगा, वो रिवर्स चार्ज में GST पे करने के लिए लायबल है। अब
अब आप इसका लॉजिक पूछो तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ सप्लायर से लेना इतना इनकन्वीनियंट था। लॉयर्स की लॉबी स्ट्रांग है, वो जीएसटी के हैसल्स में नहीं पड़ना चाहते थे, तो सरकार ने उन्हें जीएसटी के हैसल से फ्री रखा है। इसका एक और रैशनल भी हो सकता है कि लॉयर्स एक्चुअली होते क्या है, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, ये कोर्ट जो न्याय देने के लिए बैठी है, जस्टिस देने के लिए बैठी है, हम उन्हें असिस्ट करते हैं, हम उनके ऑफिसर्स हैं टेक्निकल सेंस में। तो हम लोगों को, हमारी लॉबी को इस जीएसटी के हैसल से फ्री रखा है कि वकील साहब आप अपना काम संभालो, जीएसटी की चिंता आप मत करो, हम क्लाइंट से ले लेंगे, आपके पास जो क्लाइंट आएगा हम उससे ले लेंगे, थैंक यू सो मच। लेकिन अब उस क्लाइंट के नज़रिए से सोचो, आपका कोई डिस्प्यूट हो गया, आप पहले ही परेशान हो, आप मेरे पास मेरी लीगल एडवाइस के लिए आते हो, मेरे ओपिनियन के लिए आते हो, या फिर आपका कोई केस चल रहा है तो आप आते हो कि वकील साहब प्लीज़ मुझे रिप्रेजेंट कर दो। एक वकील के पास जनरली परेशान आदमी ही जाएगा, खुशी खुशी तो ना कोई डॉक्टर के पास जाता है ना कोई वकील के पास जाता है। अब आप मेरे पास आए, अब रिवर्स चार्ज में सरकार कह रही है कि आप जीएसटी भी दो, आपका कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन अब आपको आरसीएम में लाइबल कर दिया, तो आप जाओ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करो, रिटर्न वगैरह वगैरह सारे कंप्लाइंसेस, मतलब ऑलरेडी परेशान की परेशानियां और बढ़ा दी, और अब आपको वकील के साथ साथ किसी चार्टेड अकाउंटेंट की भी सर्विस लेनी पड़ेगी। यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल? आपको लग रहा है ये अब रेसिपिएंट के एंगल से उसके लिए कन्वीनियंट है? सरकार को दोबारा भी तो सत्ता में आना है, 5 साल बाद भी तो उनको वोट चाहिए, आपको लगता है ऐसी सरकार को वोट दोगे जो परेशान आदमी को और परेशान करे? नहीं, सरकार को समझ में आ गया ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो सरकार ने ये जितनी भी आपको रेड कलर में रेसिपिएंट्स दिख रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट हो या बिजनेस एंटिटी नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए, मेरे आपके जैसे आम लोग जो अपने छोटे छोटे डिस्प्यूट्स के लिए जाते हैं, इन लोगों को जो हम लीगल सर्विसेज देते हैं उन्हें तो सरकार ने पहले ही एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब जीएसटी है ही नहीं। जब जीएसटी है ही नहीं तो काहे का फॉरवर्ड चार्ज और काहे का रिवर्स चार्ज? सरकार ने कहा आप अपनी हक की लड़ाई अच्छी तरह लड़ो, न्याय लो कोर्ट से जाकर, इस पर हम कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। कोई आरसीएम वगैरह की तो बात ही नहीं है, बहुत अच्छा मूव, वेरी गुड। लेकिन अगर एक लीगल सर्विस लेने वो बिजनेस एंटिटी आती है जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी लाइबल है, कोई बड़ी सी कंपनी आई उसका ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो सरकार ने कहा भैया तुम्हारा ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, अब तुम वकील साहब की सर्विसेज ले रहे हो, उन्हें मोटी मोटी फीस दे रहे हो, थोड़ा जीएसटी हमको भी दे दो, तुम्हारा क्या जाता, थोड़ा हमारा फायदा हो जाता। उन्होंने कहा हाँ सही, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे बिजनेस एंटिटीज को जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, बड़ी बड़े बिजनेस एंटिटीज कंपनीज को, सरकार ने आरसीएम में जीएसटी की पेमेंट के लिए लायबल कर दिया। ये लोग अब सरकार को जाकर जीएसटी जमा करवाएंगे एक वकील साहब की सर्विस लेने पर, मतलब सप्लायर से कन्वीनियंट नहीं था उन्हें छोड़ दिया, रेसिपिएंट में गरीब रेसिपिएंट इंडिविजुअल, सरकार खुद तो कभी जीएसटी देगी नहीं, उन सबको तो एग्जेम्प्ट कर दिया, और जो बड़ी कंपनीज बन गई बच गई, जिनके लिए डेली रूटीन में वकील की सर्विसेज उन्हें चाहिए होती है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ड्यू डिलिजेंस, नेगोशिएशंस, मर्जर एक्विजिशंस, उन्हें रिप्रेजेंट करना, उनके केसेस रिप्रेजेंट करना, फाइलिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ऐसे बिजनेस बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज को पकड़कर सिर्फ उन पर आरसीएम लगा दिया। अब थर्ड सर्विस की बात करते हैं, सर्विसेज बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल,
सप्लायर इज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी। हमने ट्राइब्यूनल्स की बात इससे पहले कहां की थी, अपनी याददाश्त पे जोर डालिए, हमने इससे पहले ट्राइब्यूनल्स की सर्विसेज की बात कहां की थी? आपको याद है जब हमने शेड्यूल 3 डिस्कस किया था, जो जीएसटी में सप्लाई है ही नहीं, वहां हमने बात की थी कि ये जो कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो जस्टिस देते हैं, लोगों को न्याय देते हैं। एक आदमी न्याय की उम्मीद रखता हुआ इन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के पास जाता है, ऐसे में आप उन सर्विसेज पर जीएसटी मांगो, ये कहां का इंसाफ है? रिमेंबर, तो जो ये कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स सर्विस देते हैं वो जीएसटी में सप्लाई के दायरे में है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, सप्लाई ही नहीं है तो उस पर टैक्सेबल इवेंट ही नहीं है, तो जीएसटी अट्रैक्ट कैसे होगा? करेक्ट। जब वहां ट्राइब्यूनल्स की बात कर ली थी तो यहां दोबारा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां जो हमने ट्राइब्यूनल्स की बात की थी, जैसे कि एनसीएलटी, आईटीएटी, सेस्टेट, अभी जीएसटी के ट्राइब्यूनल्स भी बनेंगे, वो इन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अलग होते हैं। वो ट्राइब्यूनल्स हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अलग लाइन पे वर्क करते हैं, वो उन ट्राइब्यूनल्स की डेफिनेशन में नहीं आते। ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होते हैं? आपके और आपके सिबलिंग के बीच में, भाई बहन के बीच में आप लोगों में झगड़ा हो गया, तो वो झगड़ा कैसे निपटाया जाता है? मम्मी पापा बैठते हैं, थोड़ी डांट आपको लगाते हैं, थोड़ी डांट उसको लगाते हैं। वो ये थोड़ी कहते हैं हाँ तू गलत है चलो खत्म बात, कहते ये गलती तूने की लेकिन तूने भी ये सही नहीं किया, अरे वो बड़ा भाई है तेरा, अरे वो छोटी बहन है तेरी, वो फ्रेंडली तरीके से दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती बताकर, उन्हें डांट लगाकर उस प्रॉब्लम को निपटा देते हैं। इसे कहते हैं समझौता करवाना, मीडिएशन करवाना, वो मीडिएट करते हैं। वैसे ही ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स भी लोगों के झगड़ों को लॉ और मीडिएशन की हेल्प से उन्हें सॉल्व करते हैं। दीज आर फ्रेंडली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि उसे कोर्ट में ले जाकर, ट्राइब्यूनल्स में ले जाकर सही या गलत के फैसले में तोल दिया जाए। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि वहां पर फ्रेंडली रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, कि कोई बैठ जाए और उस झगड़े को थोड़ा कानून अप्लाई करते हुए, कानून की समझ रखते हुए उसे फ्रेंडली रिजोल्व करवाते। जनरली जब बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वहाँ पर आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालते हैं आजकल, बिकॉज कोर्ट्स में जाना, ट्राइब्यूनल्स में जाना बहुत बड़ा हैसल है। आप एक बार वहाँ चले गए, पता नहीं कब तक उसका डिसीजन आएगा, क्या डिसीजन आएगा, इतनी देर में तो वो दोनों बिजनेस वाले पूरी तरह से ठप हो जाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता। और वो ये काम करती है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स, hence they are different from the NCLT, IPAT, SESTET वगैरह। तो अब यहां पर हम ऐसे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स जो सर्विसेज देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो वहां शेड्यूल 3 में कवर नहीं हुए थे। तो ये लोग जब अपनी सर्विस दे रहे हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स, यहां एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स बैठते हैं और वो विद हेल्प ऑफ लॉ एंड मीडिएशन डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाते हैं, वो उसकी एक फीस चार्ज भी करते हैं। ऐसी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज को आरसीएम के अंडर रखा गया है, लेकिन जैसे वकील साहब की सर्विसेज बहुत सारे क्लाइंट्स लेते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज भी तो बहुत सारे क्लाइंट्स लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, छोटे बिजनेस एंटिटीज जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, उनसे अगर आरसीएम में आप चार्ज करोगे तो हमने देखा था इट विल बी सो इनकन्वीनियंट फॉर देम। तो ऐसे लोग जब
आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज लेते हैं तो उन्हें तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट ही कर रखा है। इनके अलावा वही जब बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसा मैंने कहा, आजकल अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज रखती ही रखती हैं, वो जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस लेती हैं तो उन्हें आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करने के लिए लायबल किया गया है कि वो कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, आओ जीएसटी दे दो, सरकार को भी जीएसटी मिल गया, उनको भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुई। बेसिकली ये मोर और लेस लीगल सर्विसेज जैसा ही पॉइंट है। अब नेक्स्ट सर्विस की बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप की सर्विस। कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है और एक बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट लायबल है। चलो समझते हैं ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस होती क्या है। मेरे कॉलेज में एक फेस्ट होता था NH65 मतलब नेशनल हाईवे 65, ये उसके नाम पर हमने रखा था। मेरा कॉलेज NLU जोधपुर नेशनल हाईवे 65 पे सिचुएटेड था। तो हमने जब अपना फेस्ट स्टार्ट किया कॉलेज का एनुअल फंक्शन, तो हमने उसका नाम भी NH65 रख दिया। बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग ये फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जो लॉ कॉलेजेस वगैरह हैं उसके बच्चों को हमारे कॉलेज में बाय इनविटेशन बुलाया जाता है। वो लोग आते हैं, 4 से 5 दिन का फंक्शन होता है। वहाँ पे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन, परफॉर्मेंस वगैरह, बैंड को बुलाना, म्यूजिक नाइट रखना, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करना वगैरह वगैरह किया जाता है। मतलब 5 दिन के लिए ऐसे लगता है जैसे पूरे कॉलेज में एक दिवाली सी हो गई है, कोई फेस्टिवल चल रहा है। इतना बड़े स्केल पर, इतना लेविश इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इतने लेविश स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर कॉलेज के बच्चों को, हम बच्चों को जब अपने कॉलेज का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना था तो पैसा तो चाहिए। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हम तो नहीं देंगे, आप अपने आप ऑर्गेनाइज कर लो, हम कैसे करें। तो एक आइडिया निकाला हम लोगों ने, कॉलेज के बच्चों ने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, हम जब ये फेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम उसके लिए शहर में जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह को बोलते हैं कि आप आओ और हमारे इस फेस्ट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करो। तो उन लोगों ने कहा कि हमको क्या फ़ायदा, हम क्यों करें। तो हमने कहा सर, जब आप हमारे कॉलेज के फेस्ट के लिए पैसे दोगे तो हम उसके बदले आपकी कंपनी के बड़े बड़े बैनर्स अपने कॉलेज कैंपस में जगह जगह लगाएंगे। अगर आपको इस इमेज में दिख रहा हो, यहाँ ये लड़कियाँ डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो यहाँ आउटलुक मैगजीन का पीछे बैनर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमारे फेस्ट में हमें पैसे दिए। उन्होंने कहा आउटलुक वालों ने, इससे हमको क्या होगा। सर इससे ये होगा, ऑल ओवर इंडिया लॉ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आएंगे, जब वो आउटलुक मैगजीन के बैनर्स देखेंगे तो उनमें से लोगों को आउटलुक मैगजीन के बारे में पता चलेगा, उन्हें इसको पढ़ने की इच्छा होगी, इससे आपकी सेल बढ़ेगी और लीगल कम्युनिटी में आपका नाम और चमकेगा। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, अब तो मतलब हमारा भी कुछ फ़ायदा हो रहा है पैसे देने में। इसी को स्पॉन्सरशिप सर्विस कहते हैं। बच्चों ने इन बड़ी बड़ी कंपनीज को स्पॉन्सरशिप की सर्विस, इन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए थी, पैसा बहुत है इनके पास, इन्हें पब्लिसिटी चाहिए थी, इन्हें लॉ स्टूडेंट्स में अपनी एक छाप छोड़नी थी, एक कम्युनिटी बनानी थी। तो NLU के बच्चों ने इन्हें स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी, उसके बदले में इन्होंने उनको फीस दी, जिससे हमने अपना खूब लैविश, खूब बढ़िया वो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अब सर्विस दी जा रही है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक सप्लायर है, ये बच्चे सप्लायर हैं और ये कंपनीज उस सर्विस की रेसिपिएंट है, यहाँ कंसिडरेशन भी है, तो GST तो इस पर लगेगा। सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट हो गया तो GST तो अट्रैक्ट होगा।
अब जीएसटी ली किससे? सरकार सप्लायर के पास गई, सप्लायर कौन? लॉ स्कूल के बच्चे। उन्होंने कहा सर हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, देश के सिपाही हैं, हमसे जीएसटी लोगे? कैसे देंगे हम जीएसटी? बच्चों की मासूम आंखें देखकर, मासूमियत भरी बातें सुनकर सरकार का दिल पिघल गया। हाँ नहीं, बच्चों से जीएसटी लेना कन्वीनियंट नहीं है। फिर सरकार की नज़र पड़ी इन रेसिपिएंट्स पे, इन बड़े बड़े रेसिपिएंट्स पे, कंपनीज पे, पार्टनरशिप फॉर्म्स पे। उन्होंने कहा आप तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी लाइबल हो, इतने बड़े बड़े हो, तो आप क्यों नहीं इस पर जीएसटी देते? और ऐसी स्पॉन्सरशिप की सर्विस के लिए रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को लायबल कर दिया। मतलब अब वो जो आउटलुक मैगजीन वाली कंपनी है, अब वो रिवर्स चार्ज में यहाँ सरकार को जीएसटी पे करेगी। सो दिस इज द स्पॉन्सरशिप सर्विस। और जब वो ऐसे बड़े बड़े जाइंट्स को दी जाती है तब वहां रिवर्स चार्ज लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्विस की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज देती है, लेकिन गवर्नमेंट का एक सीधा सा रूल है, सीधी बात नो बकवास, कि हम तो जीएसटी के झंझट में पड़ने से रहे। हमने ये जीएसटी अपनी जान को मुसीबत डालने के लिए थोड़ी बनाया है, हमने तो आप लोगों से जीएसटी वसूलने के लिए ये एक्ट लेकर आए हैं, हम तो जीएसटी के झंझट में पड़ेंगे नहीं। तो सरकार ने अपने आप को इस जीएसटी के झंझट से कैसे निकाला? सरकार बहुत सारी सर्विसेज देती है, उन गवर्नमेंट सर्विसेज को पहले तो उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया। आपको याद है हमने शेड्यूल 3 में कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज पढ़ी थी जो जीएसटी में सप्लाई के दायरे से ही बाहर है। सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी कहाँ से आएगा? सप्लाई होगी तो जीएसटी अट्रैक्ट होगा, राइट? जैसे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के कुछ फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्टेड है, हमने डिस्कस किए थे, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, साफ सफाई होती है, पंचायत के पानी वगैरह का, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243G और 243W में इंटरेस्टेड है। उन फंक्शंस को अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज परफॉर्म करती है, मतलब वो सर्विसेज दे रही है उन फंक्शंस की, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में है ही नहीं। जब सप्लाई की ही बात नहीं हो रही तो जीएसटी का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर निकल गई सरकार, गुड। उसके अलावा हमने देखा था जैसे शराब जीएसटी के दायरे से बाहर है, वैसे ही शराब के लिए जब सरकार लाइसेंस देती है तो वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। ये हमने शेड्यूल 3 की वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस किया था, राइट? एक तो इस तरह से सरकार बाहर निकल गई, फिर दूसरा क्या निकाला? अभी भी हमारी कोई सर्विसेज बच गई जो हम देते हैं तो हम उसे जीएसटी में एग्जेम्प्ट करते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब एग्जेम्प्ट ही कर दिया तो ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, जीएसटी की बात ही नहीं होगी। जैसे कि अगर ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्टेड हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज दें तो हम उन्हें एग्जेम्प्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी दे रही थी तो वो तो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर था। गवर्नमेंटल अथॉरिटीज, एंटिटीज दें तो उन्हें भी हम एग्जेम्प्ट करते हैं, करेक्ट? उसके बाद अगर सरकार आपस में ही एक दूसरे को सर्विस खेले, उनका आपस में एक दूसरे को सर्विस दे, तो क्या मतलब है? एक से जीएसटी लो, जमा करवाओ, दो, उन्होंने वो एग्जेम्प्ट कर दिया। आरटीआई की सर्विस दे रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपने एक
एप्लीकेशन फॉर्म भरा, नॉमिनल सा चार्ज दिया और कोई इंफॉर्मेशन निकाली, जीएसटी से एग्जेम्प्ट। इसके अलावा सरकार जब गरीब जनता जनार्दन को कोई और इसके अलावा सर्विसेज दे रही है, वो बिजनेस एंटिटीज जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है, उसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए, तो वो भी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। प्रोवाइडेड टू नॉन बिजनेस एंटिटीज, बिजनेस एंटिटीज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो सब जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ये सब हम एग्जेम्प्शन के टॉपिक में दोबारा देखेंगे वन बाय वन, बट आई होप आपको यहां ओवरव्यू मिल रहा है। पहले तो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दी, उसके बाद जो बचे उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया, अब जो बच गए उन्हें आरसीएम में डाल दिया। बच कौन गए? अगर सरकार उन लोगों को कोई सर्विसेज दे रही है, वो बिजनेस एंटिटीज, वो बड़े बड़े लोग, वो जाइंट कंपनीज जो जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, तो सरकार ने कहा अरे हमारा क्यों नुकसान करवाते हो, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी लाइबल हो, आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई इनकन्वीनियंस होगी नहीं, आप जीएसटी जमा करवा दो, आपका भी भला हमारा भी भला। तो सिर्फ वो बड़ी बिजनेस एंटिटीज जहां वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी लाइबल है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वहां उन्होंने आरसीएम लगा दिया। मतलब खुद की जान तो उन्होंने कभी भी नहीं फंसाई, फॉरवर्ड चार्ज तो है ही नहीं, इधर इट इज नॉट अ सप्लाई और इट इज एग्जेम्प्ट। सिर्फ वहां जहां रेसिपिएंट बड़े बड़े लोग हैं, ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, वहां उन्होंने उनसे आरसीएम में जीएसटी की डिमांड की। चिट्ठियों का टाइम तो अब चला गया है, जब कबूतर एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां ले जाया करते थे, बाद में फिर एसएमएस का टाइम आया, वो लैंडलाइन का टाइम आया, अब तो वो भी नहीं, अब व्हाट्सएप से आगे बढ़कर अब तो सीधा फेस टाइम करते हैं। अब लड़का लड़की एक दूसरे को कबूतर से चिट्ठियां थोड़ी भेजते हैं कबूतर के थ्रू, अब तो सीधा फेस टाइम करते हैं, कहाँ हो, अच्छा यहाँ हो, अच्छा तुम तो ये बोल रहे थे। लेकिन फिर भी आज भी पोस्ट की, चिट्ठियों की कुछ अहमियत है। सरकार का ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बहुत सारी सर्विसेज देता है, नॉर्मल चिट्ठी का आदान प्रदान, वो तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके अलावा वो लोग स्पीड पोस्ट भी देते हैं, आप आज करवाओ कल या परसों तक वो आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जस्ट लाइक अ कुरियर। इसके अलावा एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और जल्दी पार्सल पहुंचाना, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज, एजेंसी की सर्विसेज, एजेंसी मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना बिजली का बिल जमा करवा सकते हो, टेलीफोन वगैरह के बिल जमा करवा सकते हो, वो उन बिजली डिपार्टमेंट के लिए, टेलीफोन वालों के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सरकार मतलब देती है। अब मैंने आपको क्या बताया, सरकार या तो सरकार ने अपनी सर्विसेज सप्लाई से ही आउट कर दी या एग्जेम्प्ट कर दी। सरकार की नियत में तो आया कि यहां भी एग्जेम्प्ट ही कर दे, सब कुछ एग्जेम्प्ट कर रही है, लेकिन एक कम्युनिटी रिवोल्ट में खड़ी हो गई, विद्रोह करने खड़ी हो गई। आप सोचो वो कौन सी कम्युनिटी थी, वो वही कम्युनिटी रही होगी जो अगर यहां पर इनको एग्जेम्प्ट किया जाता, इन पर जीएसटी ना लगता तो उनका नुकसान हो जाता, मतलब इनके कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि डीटीडीसी, ये ब्लू डार्ट वाले, ये क्या देते हैं, ये जो कोरियर कंपनीज हैं वो इसी सिमिलर नेचर की सर्विसेज देती हैं, कोरियर की सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज वगैरह। अगर सरकार यहाँ इन्हें एग्जेम्प्ट कर देती तो इनका धंधा तो चौपट हो जाता। आपके पास एक सरकारी सर्विस है जहाँ पर जीएसटी नहीं लग रहा, वो ऑलरेडी सस्ती है, और एक ये कोरियर वाले, इन पर जीएसटी भी लग रहा है, तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली इनके पास जाओगे, मतलब इन लोगों का पूरा बिजनेस चौपट।
एक तरह से तो आप इन्हें मार्केट से ही आउट कर दोगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो सरकार इन्हें एग्जेम्प्ट नहीं कर पाई। एक्सेप्ट नॉर्मल पोस्ट, वो तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब क्योंकि यहां एक ये एग्जेम्प्ट नहीं थे, तो सरकार ने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, जिससे ये लोग मार्केट से आउट ना हो जाएं, अपनी ये सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट नहीं की और इन पर जीएसटी लगता है। एक्सेप्ट जब एक डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई चिट्ठी भेजे, कोई कोरियर भेजे, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब ये सर्विसेज दी जाए, उसके अलावा यहां जीएसटी लगता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। आई एक्सप्लेन कि मैं ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रही हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसके अलावा रोड पर सरकारी बसें भी दौड़ती हैं और प्राइवेट बसेस भी दौड़ती हैं, सरकारी ट्रांसपोर्टर्स भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। अब क्योंकि ये लोग एग्जेम्प्ट नहीं हैं, अगर सरकारी एग्जेम्प्ट कर देती तो मतलब प्राइवेट वालों को इस पूरी मार्केट से आउट करना था। इसलिए यहाँ भी ना चाहते हुए भी सरकार इन्हें अपनी सर्विस को एग्जेम्प्ट नहीं कर पाई, क्योंकि यहां भी उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना था। इसके अलावा एक तीसरी सर्विस है, वैसे तो आजकल ज्यादातर एयरपोर्ट्स वगैरह प्राइवेटाइज हो गए हैं, लेकिन जो सरकारी है वो भी, ये लोग एयरक्राफ्ट्स वगैरह को बहुत सारी सर्विसेज देते हैं एयरपोर्ट्स, रनवे की सर्विस, लैंडिंग की सर्विस वगैरह वगैरह, और ऐसी सर्विसेज को सरकार एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहती थी, तो सरकार ने उन्हें भी एग्जेम्प्ट नहीं किया। मतलब पोस्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस और ये जो एयरक्राफ्ट या वेसल को सरकार सर्विस देती है, उन्हें सरकार ने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। अब एग्जेम्प्ट नहीं है तो जीएसटी तो लगेगा। अब बात आती है, जब जीएसटी लगेगा तो कौन देगा, सप्लायर या रेसिपिएंट? सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, और रेसिपिएंट कोई भी हो सकता है। तो यहां सरकार फॉर वंस एक बार तो एटलीस्ट फॉरवर्ड चार्ज में खुद जीएसटी पे करेगी। ये तीन वो महान सर्विसेज हैं, पोस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की और एयरक्राफ्ट या वेसल को, जो ये एयरपोर्ट्स और पोर्ट सर्विसेज देते हैं, वहां सरकार खुद फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी पे करेगी। बाकी सर्विसेज या तो सप्लाई नहीं है या आरसीएम के अंडर है, सॉरी, या तो सप्लाई नहीं है या एग्जेम्प्ट है। सिर्फ जो बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन को दी जाती हैं, वहां इन पर आरसीएम लगता है। तो सरकार ने अपनी गर्दन सिर्फ एक बार फंसाई, पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन और एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में। उसके अलावा जहां और जीएसटी लगता है वो आरसीएम में लगता है, जो ये बड़ी बड़ी बिजनेस एंटिटीज देती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा हो। इसके अलावा अगर सरकार रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की अगर सरकार सर्विस दे, तो वहां भी जीएसटी लगेगा। लेकिन वहां दो सिचुएशंस आ जाएंगी, या तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा या रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होगा, दो ही सिचुएशन है, या तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। अगर वो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वहां पर जीएसटी लगेगा आरसीएम में। जब रेसिपिएंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कन्वीनियंट किससे है लेना, सरकार देना नहीं चाहती, खुद को अपनी इस झंझट में डालना नहीं चाहती, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली वहां आरसीएम में सरकार ने उस रेसिपिएंट को लाइबल बना दिया जीएसटी की पेमेंट के लिए। सेकेंड सिचुएशन, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है लेकिन सरकार को इस रेंटिंग की सर्विस पर जीएसटी चाहिए,
कौन देगा? रेसिपिएंट दे नहीं सकता, अनरजिस्टर्ड है, तो कौन देगा? सरकार खुद देगी। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सरकार यहां खुद जीएसटी देगी। क्विकली अगर मुझे इसको समराइज करना हो, पहली बात तो सरकार जीएसटी की इस हैसल में पड़ना नहीं चाहती। उसने अपनी कुछ सर्विसेज तो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दी, कुछ उसने एग्जेम्प्ट कर दी। वो जो सर्विसेज छोटे लोगों को देती है, नॉन बिजनेस एंटिटीज को देती है, बिजनेस एंटिटीज नॉन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन को देती है, उसने वहां उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट है तो ना आरसीएम की बात होगी ना फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी। उसके बाद जो वो बड़ी बड़ी एंटिटीज को सर्विस दे रही है, क्योंकि सामने रेसिपिएंट बड़ा जॉइंट है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो सरकार ने कहा आप जीएसटी दे दो आरसीएम के अंडर। उसके अलावा अगर आप पोस्ट की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, एयरक्राफ्ट या वेसल को जो एयरपोर्ट्स या पोर्ट्स सर्विसेज देते हैं उनकी बात करो, तो वहां सरकार खुद फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगी। उसके अलावा अगर सरकार रेंटिंग की सर्विस दे रही है और सामने रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो वहां भी सरकार फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगी। तो सिर्फ चार सिचुएशन में सरकार फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगी: पोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट और वेसल, और रेंटिंग वेयर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड।